ब्राइटवेल कंप्यूटर चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज की ऑनलाइन क्लास में सीखने वाले अकाउंटिंग अकाउंटिंग में टेली प्राइम हम लोग कर रहे हैं और टेली प्राइम की 6 नंबर की क्लास है। आज की क्लास में आपको सिखाने वाला हूँ किस तरीके से हम किसी भी कंपनी में टेली वोल्ट पासवर्ड लगा सकते हैं और ये क्लास आपको क्या है यहाँ पे समझनी है। उसके लिए सबसे पहले अगर चैनल पर नया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। सबसे पहले आपको अपने कंप्यूटर में टेली प्राइम का सॉफ्टवेयर है जो आइकन है डबल क्लिक कर दें। यदि आपके इसमें टेली प्राइम का आइकन नहीं आ रहा है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि ब्राइट वर्ल्ड कंप्यूटर यूट्यूब चैनल में जाए और टेली प्राइम जो प्लेलिस्ट है उसमें से आप फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर ये 4-5 क्लासे हैं उनको देख लें, आपको 100% ये चीजें समझ में आ जाएंगी। इस पर डबल क्लिक करना, जैसे आपके इस कंपनी इसके अंदर सॉफ्टवेयर का आइकन आ जाता है टेली प्राइम तो आप उस पर डबल क्लिक करेंगे और डबल क्लिक करने से आपका जो सॉफ्टवेयर है वो चालू होना स्टार्ट हो जाएगा। आप यहाँ इस तरीके से देख रहे हैं, मैंने आपको क्या है कि टेली ईआरपी 9 की भी क्लासे में लगभग 200 क्लास के आसपास मैंने आपको यहाँ पे क्लासे टेली डॉट ईआरपी 9 के दिए हैं। सेम टू सेम जो चीज मैं प्राइम में सिखा रहा हूँ मैंने टेली ईआरपी 9 पे भी सिखाई हुई है। आपको यहाँ पे कंटिन्यू एजुकेशन मोड पे जाना है और एस्केप की से बैक आना है। बैक आने के बाद में आपको यहाँ पे जो भी आपकी कंपनी है उसे सेलेक्ट कर लेना, जैसे ब्राइट वर्ल्ड कंप्यूटर इंस्टीट्यूट नाम से कंपनी है, इस पे क्लिक करके मैंने इसको एंटर किया और ये ओपन हो गई आपके पास में। वो हो सकता है कि ओपन भी हो सकती है कंपनी, ब्राइट वर्ल्ड कंप्यूटर इंस्टीट्यूट 1 नाम से यहाँ पे एक कंपनी है, ये यहाँ पे ओपन हो चुकी है। मैंने इसको आपको बनाना भी सिखाया था किस तरीके से ये कंपनी बनाते हैं, ये सारी चीजें मैंने सिखाई थी जस्ट पहली क्लास में, तो आप टेली प्राइम के प्ले लिस्ट में जाके आप देख सकते हो। आज मैं सिखा रहा हूँ कि इसमें हम लोग किस तरीके से टेली वोल्ट पासवर्ड लगाएंगे। जब हम लोग क्या है कि कंपनी बना लेते हैं तो उसमें हम लोग एक पासवर्ड लगाएंगे, उसके लिए आपको यहाँ पे ऑल्ट के साथ के प्रेस करें या कंपनी पे क्लिक करें। यहाँ जाने के बाद में आपको दिखाई देगा यहाँ पे टेली वोल्ट क्या है, टेली वोल्ट एक पासवर्ड है, यहाँ क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में यहाँ पे जितनी भी कंपनियां यहाँ पे लिस्ट नेम ऑफ कंपनी में होंगी, जैसे यहाँ ब्राइट वर्ल्ड कंप्यूटर 1 है और भी कंपनियां होती तो वो यहाँ पे दिखाई देती। लिस्ट ऑफ कंपनीज में से उस कंपनी को सेलेक्ट करना है जिस कंपनी में आप टेली वोल्ट पासवर्ड लगाना चाहते हैं। मैं ब्राइट वर्ल्ड कंप्यूटर इंस्टीट्यूट जो कंपनी है इसको मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ, मैं मुझे इसमें टेली वोल्ट पासवर्ड लगाना है। टेली वोल्ट पासवर्ड के लिए आप पासवर्ड दे सकते हो, पासवर्ड में अल्फाबेट A to Z हो सकता है, नंबर हो सकते हैं, 09 कोई भी सिंबल हो सकता है। मैं यहाँ पे 123 दे रहा हूँ एग्जाम्पल के रूप में, जैसे मैंने 123 लिखा, यहाँ से आपसे पूछेगा कंफर्म पासवर्ड। जब भी हम लोग कोई पासवर्ड नया लगाते हैं, चाहे मोबाइल हो, कंप्यूटर, लैपटॉप हो, किसी भी प्रकार का अकाउंट हो, उसमें 2 बार पासवर्ड मांगा जाता है। गलती से आपने जो प्रेस किया है वो हो सकता है कि आप 123 की जगह कोई 124 दब गया हो, उसके लिए कंफर्म करना है 123 यहाँ पे फिर से देना। जो आप यहाँ पे पासवर्ड ऊपर वाला देंगे यहाँ पे सेम टू सेम आपको देना है और एंटर करके एक्सेप्ट कर लेना है। आपको एक मैसेज आएगा कि जितने भी आपके यहाँ लिख रहा है, दिस विल क्लोज ऑल द ऑफन रिपोर्ट्स वाउचर्स एंड मास्टर्स विदाउट सेविंग चेंज यू मेट हैव टू मेड, आर यू श्योर यू वॉन्ट टू टेली पासवर्ड, विच को हम लगाना चाहते हैं, यस करना चाहते हैं। ये बोला है कि डू यू वॉन्ट टू कॉपी ब्राइट वर्ल्ड कंप्यूटर, यस। और इसके बाद में यहाँ पे आप देखोगे तो आपकी यहाँ पे क्रिएट कंपनी है जो यहाँ पे न्यू एक कंपनी बन चुकी है और वो है आपकी 3 के नाम से। यहाँ पे आप देखोगे एंटर करोगे तो वो कंपनी जो आपकी है वो पासवर्ड मांग रहे हैं। मैं इसको बैक करता हूं पहले, और बैक करने के बाद में आप आएंगे तो यहाँ पे आ जाएंगे सेलेक्ट कंपनी में। अब सेलेक्ट कंपनी में यदि आप देखोगे ब्राइट वर्ल्ड कंप्यूटर इंस्टीट्यूट यहाँ पे कंपनी है, ये आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है 3 के नाम से, इस पर डबल क्लिक करोगे तो ये ओपन हो जाएगी, राइट। अब यहाँ पे आप देखोगे ऑल्ट F3 करें, यहाँ पे वापस सेट करते हैं इस कंपनी को। जब भी टेली वोल्ट का पासवर्ड लगेगा, जब भी टेली वोल्ट जो पासवर्ड है वो लगेगा, यहाँ पे ब्राइट वर्ल्ड कंप्यूटर इंस्टीट्यूट 1 है जो वो यहाँ पे बिना पासवर्ड की बन चुकी है और जो पासवर्ड लगा है वो फर्स्ट वाला ये कोड है आपका, यहाँ पे आप देख रहे होंगे काई दहाई सैकड़ा हजार हजार लाख 1,00,001 नाम से एक कंपनी यहाँ पे बनी है। यहाँ पे आप एंटर करोगे तो आपसे पासवर्ड पूछा जाएगा टेली वोल्ट पासवर्ड। जब टेली वोल्ट पासवर्ड लग जाता है तो आपकी कंपनी की पहली जो सुरक्षा होती है वो होती है कि वो आपको जो दिखाई देगा, जो भी दिखाई देता है वो आपको स्टार में दिखाई देगा, कंपनी के नेम से नहीं दिखाई देगा। पहली सिक्योरिटी ये हो जाती है टेली वोल्ट पासवर्ड की, राइट। इस पे जैसे डबल क्लिक करेंगे, कोड याद रखना होगा, उसका जो पासवर्ड है 123 आपने पासवर्ड दिया, एंटर किया तो यहाँ जैसे आप पासवर्ड देंगे, यहाँ पे पासवर्ड 123 दिया और एंटर कर दिया। इसके बाद में यहाँ मैसेज आया कैन नॉट परफॉर्म एक्शन अनोदर कंपनी, इसी नाम से सेम दूसरी कंपनी ओपन हो रखी है। मैं इसको पहले कंट्रोल F3 से इसे सेट कर देता हूँ क्योंकि ये जो कंपनी है पहले से सेम नाम से ओपन थी,
अब आप इसको ओपन करेंगे, जो आपकी कंपनी है इसमें आपने पासवर्ड दिया 123 एंड एंटर। यहां पे जैसे हमने पासवर्ड दिया तो आपकी कंपनी यहां पे ओपन हो गई, और यहां पे आप देखोगे तो नेम ऑफ कंपनी में आपकी कंपनी आ चुका है, ब्राइट वर्ल्ड कंप्यूटर इंस्टीट्यूट, और वही सेम टू सेम सारी चीजें यहां पे आ चुकी हैं। इस तरीके से आप टेलीवोल्ट पासवर्ड की कंपनी यहां क्रिएट कर सकते हो, कोई परेशानी हो आप वीडियो को बार बार देख सकते हो, आप इसको इस तरीके से यहां समझ सकते हो कि यहां पे जो आपकी कंपनी थी वो ये कंपनी है, और इस कंपनी को हमने जैसे ओपन किया तो इसने पासवर्ड मांगा था, आप इसे देख सकते हो। वापस से मैं कंट्रोल F3 से इसको बंद कर रहा हूँ, सेट कर रहा हूँ एक बार, और फिर से आप देख पाओगे यहाँ पे जैसे ये है, मैंने इस पर डबल क्लिक किया, इसने पासवर्ड मांगा, मैंने 123 पासवर्ड दिया और एंटर प्रेस किया। तो इस तरीके से आप टेलीवोल्ट पासवर्ड में यदि पासवर्ड लगाते हो तो आपकी कंपनी का क्या फायदा है, एक तो आपका फायदा है सेलेक्ट में आप जाओगे तो आपकी जो कंपनी है यहाँ पे स्टार में दिखाई देगी, यहाँ पे पहली सुरक्षा ये होती है, और जब इसे ओपन करते हैं तो पासवर्ड मांगा जाता है, जो हर कोई आपको पासवर्ड नहीं करेगा। और दूसरा टेलीवोल्ट पासवर्ड का एक और फायदा है, जब भी कोई इसका बैकअप लेगा रिस्टोर करेगा तो ये पासवर्ड जो मैंने अभी दिया था, ये मैंने एग्जाम्पल के रूप में 123 दिया है, आप अपना अच्छा सा पासवर्ड बनाएं और उसके बाद देंगे यहाँ पे, तो वो पासवर्ड आपको रिस्टोर बैकअप पे भी मांगेगा, जिससे कि कोई भी आपकी कंपनी का बैकअप नहीं ले सकता और अपने कंप्यूटर में रिस्टोर नहीं कर सकता। तो आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास में मैं आपको एक नेक्स्ट सॉफ्टवेयर के बारे में बताने वाला हूँ। अगर वो सीखना चाहते हो तो चैनल पर नया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। आज की क्लास बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।